लो आ गई वो दुकान जिसका नाम ही नहीं बल्कि काम भी है मधुर। जरा ध्यान से चेक कर लिया जाए कहीं कोई नशे वाली चीज बिक तो नहीं रही है। नहीं, सच में कहीं भी नहीं है वो जहर जिसने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी खाक कर दी। अरे थक जाओगे ढूंढते ढूंढते। तो बताइए आशीष जी कि आपके दिमाग में ये कैसे आया कि तंबाकू बेचना नहीं है, क्योंकि तंबाकू से तो काफी बेनिफिट होता है, आपको तो काफी लॉस हो रहा होगा, आपने लॉस सहन कैसे कर लिया? एक्चुअल में हमारे आचार्य प्रवर श्री रामलाल जी महाराज साहब जो व्यसन मुक्ति के संप्रेरक हैं और जो एक अभियान चला रहा है पूरे देश में पूरे विश्व में कि शाकाहार से जीवन दान और व्यसन मुक्ति से जन कल्याण, तो उसी कथनी के अनुसार हम जब अपने गुरु को मानते हैं तो उनके कहे अनुसार उनकी जो बात है उसको भी हम मानते हैं और उसी को आत्मसात करते हुए हमने खिड़किया आसपास क्षेत्रों में या पूरे देशों में कई बार रैलियाँ निकाली व्यसन मुक्ति के लिए। इससे लोगों को प्रेरणा हुई, कई लोगों को व्यसन मुक्त करवाया, लाखों लोगों को, और हमारे संघ में अखिल भारतीय साधु मार्ग जैन संघ में भी ये कार्य बहुत अच्छे से हो रहा है। पूरे देश में अवार्ड भी दिए जा चुके हैं सरकार की ओर से। व्यसन मुक्ति कार्यक्रम हमेशा प्रवर्धमान है क्योंकि हमारे आराध्य का वही सपना है। तो ये बताइए आशीष जी थोड़ा समय निकाल कर कि आज तक आपको किसी व्यापारी ने टोका नहीं कि आप तंबाकू नहीं बेचते? एक्चुअली ऐसा हुआ कि पहले अभी कुछ समय पूर्व 2015 में ग्राम कालदड़ में श्री विनय मुनि जी और श्री मधुर मुनि जी का चातुर्मास हुआ। उसके पहले हम तंबाकू बेचते थे दुकान पे क्योंकि खिड़कियाँ जैसी छोटी जगह में लोग को रखना पड़ता है, आवश्यकता में शामिल है। लेकिन जब महाराज साहब का चातुर्मास कालदड़ होना था तो हमने सोचा कि पहले अपन बेचना बंद करें तभी अपन किसी को प्रेरणा कर पाए, मतलब नहीं खाने की प्रेरणा कर पाएंगे। और उसी तारतम्यता में हमने हमारी दुकान पे इस अभियान से शुरुआत की और इसको यहाँ बेचना बंद किया। बीड़ी तंबाकू सिगरेट सब चीज़ रखते थे लेकिन उन सब चीज़ों को बंद कर दिया। और कई लोग बोलते हैं हमसे कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत कलेजा काम होता है कि इतने उससे आर्थिक नुकसान होता है, तो हमारे आराध्य का सपना है तो उसको हमारे पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। जैसे अपन ने देखा कि अपने देश में कई लोग कैंसर से आदि ऐसी बीमारियों से मर जाते हैं और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के हम नशा मुक्ति अभियान चलाते हैं और साथ ही कई बार अपन किसी को प्रेरणा करते हैं तो वो अपने को हंसता भी है लेकिन उससे हम ये नहीं सोचते कि यार अपन हम नहीं करें लेकिन अपना और मनोबल बढ़ा के रखते हैं कि अपने को तो करना चाहिए, प्रेरणा का अपना काम करना, प्रेरणा करना काम है, वो माने नहीं माने वो उसकी मर्जी। लेकिन कभी कभी जब उसको तकलीफ आती है, उसको भी हम ऐसे कुछ केस भी देखे कि किसी को कैंसर हुआ और जब तक वो खाता था लेकिन जो डॉक्टर ने मना बोला तो उसने एक्सेप्ट किया कि यार अब मेरे को तो ऐसी तकलीफ हो गई है, अब मेरे को नहीं खाना चाहिए। उसके बाद से वो सुधरा पर उसको अब वापस आया तो वो बोला कि यार आपने सही बोला था, सही समझाया था कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तंबाकू नहीं खाना चाहिए, दुर्व्यसनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। उसको बाद में समझ में आई। जवाब क्या देते हैं जब दिन भर 24 घंटे में कई ग्राहक आपके पास में बीड़ी सिगरेट राशि तंबाकू का पूछने आते हैं, तो क्या जवाब होता है आपके पास? दुकान पे बहुत से ग्राहक आए दिन मंगने आते हैं और दिन भर में लगभग 20-25-30 लोग तो मंगने आते ही हैं कि बीड़ी है क्या, सिगरेट है क्या, तंबाकू है क्या। उनको बोलते हैं भाई नहीं रखते हैं तो बोले राजश्री है क्या, अरे भाई राजश्री भी नहीं रखते हैं। वो बार बार आते हैं लेकिन हम अपना पेशेंस नहीं खोते, हम उनको बताते हैं कि हम रखते नहीं है, इससे व्यसन ये दुर्व्यसन है, इससे शरीर को नुकसान होता है, उसको समझाते हैं, प्रयास करते हैं, फिर वो चले जाता है। सरकार से भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि सरकार ये कहती है कि हमको बीड़ी सिगरेट तंबाकू का उपयोग नहीं करना चाहिए, फिर ये प्रोडक्ट बनते ही क्यों हैं? उनका पब्लिक मतलब बेचा जाना ही जब गलत है तो फिर उनको टैक्स लगा के यहाँ प्रोवाइड क्यों किया जाता है, यहाँ देने भेजना ही नहीं चाहिए। वो अगर वहीं से बंद हो जाए तो यहाँ से बिकने ही बंद हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली, तो किसी देश के सब लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे? जैसे कोरोना काल में भी हमने देखा कि इम्यूनिटी के लिए कई चीज़ें बताई जाती है लेकिन इन चीज़ों को उपयोग करेगा तो इम्यूनिटी खत्म ही होगी उसकी। इसलिए आज ये निवेदन है सरकार से कि इस चीज़ पर फुल प्रतिबंध लगा दिया जाए। तो
और देश हित में ये निर्णय होगा और शाकाहार से जीवन दान और व्यसन मुक्त से जन कल्याण होगा। इसी भावना के साथ जय हिंद जय भारत। आगे सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस बेल आइकॉन।